सबसे पहले माशाल्लाह बोले हमारे प्यारे व्यूअर, और हमारे व्यूअर से प्यारा वैसे कमरा नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको देखने में अच्छा लगे। सबसे पहले इस नुक्कड़ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और माशाल्लाह माशाल्लाह बस मेरा दिल कर रहा कि मैं माशाल्लाह कहती हूँ। अच्छा मैं साइड पे होती हूँ, फिर अब जरा फिर दिखाएं, मेरा दिल खुश हो गया यकीन माने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो जी गमले माशाल्लाह जो है ना मैंने सारे साफ कर दिए हैं, गोडी मैंने कर दी है अच्छी तरह से, और इनमें से जितना भी घास वगैरह था सारा मैंने बाहर निकाल दिया है। दोबारा से मैंने इनको ना ऐसे कवर कर दिया मिट्टी से। और ये जो चमेली थी, मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि ये इसका खड्डा बना कर ना इसमें पानी डाल के जो कीड़े वाले पत्ते वो सारे उतार दें, और वो मैंने सारे उतार दिए माशाल्लाह। ये देखें नहीं शाखें निकाल रही हैं। घास जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया, हमें भी इस बात का पता है, हमें हर चीज़ का पता होता, हम हर काम का जो है ना वो बड़ा एहतियात करते हैं, ख्याल करते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को पता है कि मैं किसी का वेट नहीं करती थी, यही कैंची होती थी मेरे हाथ में और मैं सारा जो है ना घास काट के साफ़ सुथरा कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा शहजाद साहब ने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त से कहा हुआ मशीन के लिए, वो बस जो है ना आए रोज़ टाल मटोल कर लेता है कि मैं आज लेके देता हूँ कल लेके देता हूँ। तो इंशाल्लाह जी अभी हाथ से जो है ना सारी ग्रास मैंने काट ही देनी है, बस मैं खुद तंग आ गई हूँ आए रोज़ शहजाद साहब के दोस्त का इंतज़ार कर करके। अभी जो है ना ये वाले रह गए हैं इस लाइन में खड़े, ये मैंने नहीं बनाए और ये इंशाल्लाह कल बनेंगे, क्योंकि अभी हांडी रोटी का भी टाइम हो गया, वहाँ पे भी मेरा टाइम जो है ना काफ़ी वेस्ट हो गया। ये वाला यहाँ पे ना वो जो लास्ट में लगा खड़ा ना वो मैंने लगाया था और उसे चेंज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए सेम सेम हो जाएगा, यहाँ पे जामुन कलर का है और साथ ही वाइट हो जाएगा। अभी ये अभी लगाया ना इसलिए थोड़े मुरझाए खड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना थोड़ी देर बाद हरे भरे हो जाएंगे। झाड़ू मैंने लगा दी है और चार पहिया भी मैंने बाहर निकाल दी, कपड़े वगैरह भी बिछाना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने लगी थी, नजर तो आपको आ ही गई होगी, ये है जी प्लास्टिक शीट, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी ना ये वाटरप्रूफ है जी, वाटरप्रूफ, इसके ऊपर आप पानी वगैरह कपड़ा वगैरह गीला लगा सकती हैं। इसकी मैं आपको जो ना 5 साल वारंटी देता हूँ। हाँ जी आप देखते हैं। हाँ जी, तो सब बहन भाई जो ना कह रहे थे जी इन्होंने चार पहियाँ ले ली, इनको फर्श का पता ही नहीं है कि फ़र्श कैसा है, ठीक है ना। तो मतलब कि लोग चाहते हैं कि एक मिनट स्किंट में जो है ना हर चीज़ हमें दिखा दी जाए। तो देखें हम हमें इस चीज़ का ज़्यादा, हम इस घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। वही तो मैं पहले बात कर रही थी कि हमें पता होता है, हर चीज़ का पता होता हाँ है, हम हर चीज़ बड़े एहतियात से और हर चीज़ का हम ख्याल करते हैं और हमारी माइंड में नज़र में हर चीज़ होती है। लेकिन ये भी सही है, बता रहे होते हैं साथ साथ और हमें इस बात का आइडिया हो रहा होता है, लेकिन हमें ऑलरेडी पता होता है। तो एक कमेंट साइड था जो वो कह रहे थे आप मतलब कि आप चार पहिया लेने चले गए, आपको पता नहीं कि बाइक नहीं आपकी, आप बाइक लें और मतलब लाजमी इन उसके नीचे, फिर उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था, वो एक ही है जो रिप्लाई अक्सर करती रहती सबके नीचे, नाम नहीं बताएंगे। तो मतलब कि वो कह रही थी नहीं नहीं वो अगर ये मतलब कि ऐसा ना करें तो वीडियो कैसे बनेगी, लोगों को अपनी गरीबी कैसे दिखाएंगे। मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी सोच देखे कितनी घटिया है, हमने इतनी महंगी चार पहिया ली, इतनी खूबसूरत चार पहिया ली, आप लोगों को इतनी पसंद आई,
आप लोगों को पहले हमने दिखाया कि भाई ये लेनी है, फिर आप लोगों ने कमेंट्स किए कि ये ही लें, फिर हम वही लेके आए। इतनी महंगी वो ली दो, मतलब कि हमने ये तो नहीं ना कहा कि आप लेके दें हमें, किसी को कहा हो कि हमें लेके दें, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि इस तरह के कमेंट्स करते हैं लोग, बस ना दिल टूट जाता है। यही बात है ना कि उन्होंने हमारे चार पाइयों को नहीं देखा ना, कि हमने हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने चार पाइयों नहीं देखा। ये मिसाल ऐसी, वैसे बात लंबी हो जाती है लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है, कि ये साइंस की बुक में है, ये तो मुझे याद भूल गया कि क्लास कौन सी थी। एक टीचर होता है, वो ना गिलास पानी का भरता है और आधा पानी होता है इस गिलास में, आधा खाली होता है। वो बच्चों से पूछता है कि इस गिलास में क्या है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की बात कर रही हूँ मैं, तो उन बच्चों ने कहा कि ये खाली है, हालांकि वो गिलास पानी आधा भरा हुआ था, आधा भरा हुआ था। पॉजिटिव वाले उन्होंने ये सोचना है कि आधे गिलास में पानी है, और जो नेगेटिव सोचते हैं उन्होंने ये कहना कि ये गिलास खाली है, आधा गिलास खाली। भाई आपको आधा गिलास पानी का भरा हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको आधा गिलास खाली नजर आ रहा है। ये होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको जो हमने इतनी मेहनत से, इतनी दिन रात की मेहनत की, वो इतनी खूबसूरत हम चार पाइयां लेकर आए, वो आपको नजर नहीं आई और आपको हमारी बाइक नजर आ गई। यही तो फर्क होता है अपनी अपनी सोच का। लेकिन बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं, यकीन माने मेरी बहनें, मेरी माई इतनी दुआएं देती हैं कि उनकी दुआओं की ये नतीजा है जो आज हम अपनी जरूरियात छोटी छोटी पूरी कर रहे हैं। और सबने फिर ये भी कहना है कि आपको वॉशरूम का पता नहीं है, आपको किचन का पता नहीं है। हम इंशाल्लाह करेंगे, हमारे माइंड में ये भी है, लेकिन यकीन माने इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि मैं बात कर रही हूँ और मैं सब सीने से गिली हुई खड़ी हूँ। रूम में बैठे ना तो पंखे के आगे भी इतना पसीना आ रहा होता है। तो अभी इसे खोले थोड़ा सा, ताकि हम अपने बहन भाइयों को दिखा सके कि मतलब इसका डिजाइन क्या है। यकीन माने वैसा कमरा अपनी हक लाल की मेहनत से, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा कमरा हम तैयार करेंगे कि आपका देख के दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह काफी प्यारी लग रही मुझे तो ये वाला जिसका डिजाइन था। आप लोगों ने बताना है कि मतलब कि ये फर्श का डिजाइन ये ठीक है जो हमने टायर लगा दी है। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा माशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह। तो चार भाइयों के ऊपर अभी तक मैंने कपड़ा नहीं बिछाया है, पानी भर के ले आती हूँ, कहीं लाइट ना चली जाए तो फिर बाद में चार भाइयों को कपड़ा बिछाती हूँ। तो यहाँ पे जी आपको एक मैं छोटी सी चिड़िया के बच्चे दिखाता हूँ। इतनी सी चिड़िया है और इतने इतने इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, और किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखे जी माशाल्लाह, छोटे छोटे तीन बच्चे बैठे हुए हैं और उनको पता भी नहीं लगा। ये देखे जी, छोटा सा उसने बनाया हुआ अपना घर, और किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे है।
बिल्कुल बारीक सा छिलका है और ज्यादा नहीं उतारेंगे, बस ऐसे करके छिलका उतारेंगे। माशाल्लाह जी, सूरज का देखे व्यू कितना प्यारा है। अभी सिर्फ थोड़ा सा रहता है, अभी दरख्तों के नीचे हो जाएगा बैक साइड पे और फिर नज़र ही नहीं आएगा। देखे माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, देखे कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जी, तभी मैं बैठा हुआ था इस चारपाई के ऊपर यहाँ पे, और मेरे साथ अब्दुल आदि बैठा हुआ था और बेगम साहब बैठी थी उस नुक्कर में। और जैसे ही बेगम साहब उठी हैं और मैं डायरेक्ट इधर नीचे वो खड्डे के अंदर मेरा पाँव जा लगा और चारपाई हमारी टूट गई, ये देखिए यहाँ से। और अभी मैं अपने पाँव धो के आया हूँ और दो न्यू लेके आए और एक पुरानी जो ना वो हमने तोड़ दी है। व्यूअर को मुबारक दे रहे हैं। हाँ जी, कि हमने चारपाई तोड़ दी। तोड़ दी, मुझे क्या पता था, वो पहले ही मतलब थोड़ा टूटा हुआ था और उधर बैठ जैसे मैं उठी तो चले टूट गई। हाँ जी, तो मैंने अभी आलुओं को बोने लगा रही हूँ, शाम भी होगी और आटा मैंने भून लिया था। अभी आलू सालन जाने के बाद ना मैं तंदूर चलाऊंगी और गर्मी में ऐसा लगता जैसे बोलती बंदे की बंद हो जाती है। वो मैं आज कमेंट पढ़ रही थी एक सिस्टर का कि हमारे गांव में ना गर्मियों में सारे बंदे छुप जाते हैं, मतलब गांव में सड़कों में कहीं हमें एक बंदा भी नज़र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तंदूर हमने जला लिया है और लाइट चली गई। लाइट वालों ने इतना तंग किया हुआ है ना, इनको पता चल जाता है बीबी इनके खाने के टाइम हो चुका है और लाइट हम ले जाएँ। अभी हर तरफ अंधेरा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कमरे के अंदर भी बाहर भी हर तरफ अंधेरा हो चुका है, लेकिन बेगम साहब ने कहा भी कोई बात नहीं, रोटियां हम लगा लेते हैं और फिर देखेंगे जब लाइट आएगी तो तब खा लेंगी। और हमारा तंदूर भी रेड हो चुका है और माशाल्लाह जी लाइट आ गई जी, ये देखें माशाल्लाह हर तरफ रोशनी छा गई। ये एक जल्दी लाइट आ गई वापस। और यहाँ पे हमारे मोबाइल की जो ना आवाज़, मतलब कि वॉल्यूम उसका बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ और आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो मैंने कहा बाद में वॉइस कर देते आप लोगों को, मतलब कि बता देते हैं कि क्या मसला बन गया था। और तंदूर के अंदर रोटियाँ देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं, तो रोटियाँ लगा लेती हैं जी। उसके बाद जी इंशाल्लाह जी बाकी मेरा काम है ना रूम के अंदर शीट बिछाने वाला, वो भी अपनी हमने करना है। और भी देखते हैं रोटी रोटी से पहले करना है, खाने से पहले करना है या बाद में करना है, यह भी डिसाइड हमने किया है। हाँ जी, तो अभी हम जो ना कमरे के अंदर शीट जो ना वो डालने लगे। खाना हमने अभी बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि अभी भूख नहीं है और इतना टाइम भी नहीं हुआ, और बच्चों को खिला दिया था, बच्चे सो गए। और हमने सोचा जी अपने रूम की सेटिंग कर लेते हैं, रूम एक दफ़ा आप लोग अंदर से देख लें कि किस तरह का है, और उसके बाद जी इंशाल्लाह जो है ना शीट डालने के बाद भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएँगे। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पता नहीं रूम के अंदर ऐसी क्या चीज़ बड़ी हुई है, कुछ जो नुकरे नहीं दिखाते, मैंने कहा एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दें और उसके बाद जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैंची लेके आए। हाँ जी, इतनी हमने डाल ली है, हमने सोचा आप लोगों को साथ साथ दिखाते भी जाएं क्योंकि किस तरह हम काम कर रहे हैं, तो क्योंकि कैमरा मैन हमारे पास नहीं है जो आप लोगों को दिखा सके, तो इस वजह से थोड़ा सा काम किया आप लोगों को भी दिखा दिया। और इस साइड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा। हाँ जी ठीक है, कैसे लग रही हमें थोड़ी खूबसूरत। हाँ जी, तो दीवार के साथ करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चार पहिया हमने इस साइड पे डाल दिए हैं और ये एरिया हमारा तकरीबन कवर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया थोड़ा सा रहता है शीट यहाँ पे डालने वाली, और बाकी माशाल्लाह सारा एरिया जो ना हमने कंप्लीट कर लिया है। चारपाइयों को नीचे भी देखें माशाल्लाह, और इस साइड से भी देखें। अभी ये कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और इस दफ़ा हमने चारपाई जो ना इस साइड पे कर दी, बेगम से मैं कहती इस साइड पे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, इस साइड पर नहीं। आप लोगों ने बताना है कि हमने यहाँ पर चारपाइयों को ठीक रखें या नहीं। सबसे पहले माशाल्लाह बोले प्यारे व्यूअर, और हमारे व्यूअर से प्यारा वैसे कमरा नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको देखने में अच्छा लगे। सबसे पहले इस नुक्कड़ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और माशाल्लाह माशाल्लाह बस मेरा दिल कर रहा कि मैं माशाल्लाह कहती हूँ। अच्छा, मैं साइड पे होती हूँ, फिर अब जरा फिर दिखाएं, मेरा दिल खुश हो गया, यकीन माने कैसा लग रहा है, एक लग रहा है ना जैसे बिल्कुल हमारे ख्वाबों का महल लग रहा है।
अंदर से लग ही नहीं रहा कि ये हमारा जो है ना वो मड हाउस है। हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारा। और सब कह रहे थे जी चारपाई हटा दें, चारपाई हटा दें। हाँ जी मैंने भी यही बात की तो फाइनली जी मैंने चारपाई हटा दी। वैसे भी साइडिंग जो है ना हमने सारी ही चेंज कर दी है और माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी अब जरा खुला खुला एरिया लग रहा है ना, बंदा इजी बैठ जाता है, मतलब की खुली हवा लगती है। अब मैं पहले मैं उस नुकर में खड़ा होता, अब इस नुकर में हो गया ताकि आप लोगों को सही कमरे का व्यू जो है ना वो मिल सके। और यहाँ पे बैठ के हम सुबह को नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा माशाल्लाह। हाँ जी तो पंखा बस जो है ना हमारा स्लो है, पंखा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें ताकि हमारे पूरे रूम में ऐसे हवा लगे ना, दिल को सुकून आ जाए। तो माशाल्लाह काफ़ी ऐसे बड़ा बड़ा कमरा लग रहा है, अब नीचे ऐसे लग रहा है जैसे हमने टायर लगा दी है। ऐसे बिल्कुल एकदम से लुक चेंज ही हो गई है। और आप लोग ऐसा हमने कमरा तैयार किया है कि एक ख्वाब सा ही लग रहा है। और वैसे ये हम सुबह अगर नेक्स्ट व्लॉग में कर सकते थे या फिर सुबह भी कर सकते थे, लेकिन हमने बात की थी आप लोगों को, हमने कहा था कि हम इसी व्लॉग में जो है ना आप लोगों को बिछा। और अभी सेटिंग करते करते 10 बज गए, 10 का टाइम हो चुका और खाना नहीं खाया, खाया नहीं है क्योंकि जो है ना वो जैसे खुशी सी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक भूख भी नहीं लगी। तो हमने मतलब ना अपनी तरफ से बड़ा तसल्ली का काम किया, लाइनें देखे एक जैसी लाइन कर दी है ये, सीधी लाइन कटिंग हमने कटिंग की और बड़ी मेहनत हमने की। और ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा था और मैंने कभी इसको डाल ले। बिल्कुल ये भी मैंने आप लोगों से पूछना था कि जो नीचे वाला है ना ये पहले लेकर आए, मैं कह रही इसको ना संभाल के रख देती हूँ, मतलब अगर इसे हम बनाएंगे दस्तरखान। और ये जो है ना वैसे उससे ज्यादा मजबूत भी है और जल्दी खराब भी नहीं होगा क्योंकि बाहर निकालना होता है। और ये है कि इसके ऊपर जो है ना वो दाग इतना ज्यादा नहीं लगेगा और साफ बिल्कुल माशाल्लाह। और व्लॉग वैसे हमारा एंड हो गया, काफी हमने मेहनत की है और आप सबने इतना सा पहले जो हमने व्लॉग बनाया था उसमें आप सबने इतना बहुत सारा प्यार दिया, दोनों व्लॉग में माशाल्लाह काफी लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए और हौसला बढ़ा दिया हमारा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा यकीन माने। और मैंने यही शहजाद सबसे कहा है कि मुझे पहले थैंक्स करने दे सबका। और हम जो भी मतलब लेते हैं बनाते हैं वो सब आपके सामने होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, खुशी की इतनी है कि मैं नहीं चाहूंगी कि यहाँ पे बात करूँ। तो आप खुद बताएं जितने भी हमने रूम की सेटिंग की है, हमने जो भी खरीदा है अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपनी मेहनत की कमाई से हमने खरीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हमने जितना भी लिया है ना एक रुपया भी हमने किसी से मांगा नहीं है और ना हमने कहा कि ये चीज हमारे पास नहीं है। बाकी जो बाइक का सब कह रहे थे, देखिए हमने व्लॉग बनाना होता है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम गुर्बत दिखाएं या फिर जो है ना हम किसी से मांगे, हमने व्लॉग पूरा करना होता है। हमारा मकसद होता है जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है, भले वो टफ हो, जो भी हमारे लाइफ में रूटीन वाइज चल रहा है, बस हमने वही आप लोगों को शेयर करना होता है। तो आप माइंड में ऐसा ना सोचा करें, हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने घर के लिए कोई चीज लें खास तौर पर, क्योंकि हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि अपने घर के लिए हम जो भी चीज लें इस घर को सजाने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपने हक हलाल की कमाई से जो हम अपने हाथों से कर रहे हैं। ये पूरा कमरा अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे हाथों से बना हुआ है, आप लोग यकीन करेंगे। हालांकि एक एक अगर हमने मतलब एक एक जैसे कहते हैं ईंट लगाते हुए, ईंट तो नहीं थी गारा ही था, तो स्टार्टिंग किया तो हमने दिखाया है। तो अभी आप यकीन करें ये सारा लगेगा नहीं, आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये सारा हमने अपने हाथों से बनाया है। तो बिल्कुल बना दी आप लोगों ने, फिर हौसला बढ़ा देना है अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, अक्सर इनके कमेंट्स अक्सर ये दिल मतलब की हिम्मत हार जाती है जब कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, बस उसके अलावा जो है ये माशाल्लाह काफी स्ट्रांग है। तो अभी व्लॉग तब व्लॉग का यही एंड करते जी, मिलते किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तो मुझे खाना दे दे आज नहीं मैं कहती आज रात ऐसे ही गुजार ले। और आज हमारा व्लॉग काफी लॉन्ग हो गया, जितने भी व्लॉग हमने बनाए ना सबसे ज्यादा ये लंबा व्लॉग हो गया। तो हमने कितने किए? हाँ जी मुझे लगता है ये हम बिछाए ना ऐसे ही सही है। हाँ ऐसे भी लग रहा है, अगर बेडशीट ना भी मतलब बेडशीट ना बिछाए ना तो ऐसे मतलब अभी गर्मी है ना। हाँ जी और वैसे भी दिल ही नहीं करता कि नीचे बंदा कपड़ा बिछा ले। बिल्कुल तो चलें जी इंशाल्लाह अब न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी, तो अल्लाह हाफिज। इससे भी ज्यादा खूबसूरत इंशाल्लाह व्लॉग भी बनेगा और कमरा भी, तो हमें अपनी नेक दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और आप सबने भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।